अब हम सेक कोसेक क्वाड की इन वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। मैंने आपको ये कहा था कभी भी कि सेक कोसेक क्वाड को लर्न मत करना है। लर्न करना है तो किसे लर्न करो, साइन कॉस और टैन। अब इनकी टेक्निक्स मैं आपको बता चुका हूं, मैंने बताया साइन और कॉस को आपको क्या पढ़ाया। मैंने साइन कॉस टैन का आपको ये बताया था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों के लिए लाइन ऐड करने के लिए कहा था, 1/2, 1/√2, √3/2, कॉस की √3/2, 1/√2, 1/2, टैन की 1/√3, 1 और √3, ये किसके लिए, 30, 45 और 60। और जो बाकी के एंगल है, जैसे कौन से एंगल, 0, 90, 180, 270, 360, इन सब के लिए मैंने ये बताया था, 0, 90, 180, 270, 360। ये 90 को क्या बोलते हैं, पाई बाय टू, 180 यानी पाई, ये 3 पाई बाय टू, 2 पाई, ये पढ़ाया था। यानी 30, 45, 60 के लिए लाइंस बताई थी, 0, 90, 180 ग्राफ बताया एक्सिस, इसमें जैसे 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1 ऐसे बताया था। तो इसमें देखा सब एंगल कवर हो गए, 0, 90 भी कवर हो गए ग्राफ पेपर, देखो 0, 90, 180 बोला तो ग्राफ पेपर देखना, इमेजिन करना, और 30, 45, 60 बोला तो लाइन याद करना, ये हो गया किसका, साइन और कॉस का। फिर उसके बाद मैंने टैन का, टैन की लाइन बताई थी 30, 45, 60 के लिए लाइन बताई थी, ठीक है। और फिर टैन का मैंने इनका कैसे बताया था, मैंने इनका टैन का बताया था कि 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी, मैंने कहा था टैन 0 आया, टैन पाई आया, टैन कोई भी पाई आया तो इन्फिनिटी 0 डिग्री बोलना, और टैन पाई बाय टू बोला तो क्या बोलना, इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी 0, ऐसा बताया था। तो ये हो गया साइन कॉस और टैन का पूरा, कौन से डिग्री का, सभी डिग्री का। लेकिन अगर आपको पूछा कभी सेक कोसेक और क्वाड का, तो सीधी सी बात है, सेक पूछा तो सेक किसका उल्टा रहता है, कॉस का। तो अगर आपको सेक 0 डिग्री बोला, 0 डिग्री और 2 पाई एक ही जगह रहते हैं, सेक 0 डिग्री बोला आपको, क्या बोला है, सेक जिसर नहीं पता, तो कॉस 0 डिग्री पता करो। हाँ, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, इमेजिन करो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो सेक 0 कितना होगा, 1। रेसिप्रोकल कॉस का उल्टा सेक, ठीक है ना। अगर आपको कभी सेक 2 पाई बोला तो आप क्या याद करो, देखो सेक 0 कितना होता है, 1। आपको अगर सेक 90 बोला तो क्या बोला उन्होंने, सेक 90। अब बता सेक 90 बोला तो क्या लर्न करो, पहले कॉस 90। आप ये टेबल की वैल्यूज पहले कंप्लीट करो, पॉज करो वीडियो को, मैं एक बार और बता देता हूँ। सेक 90 बोला तो पहले क्या बताओ, कॉस 90। मैंने कहा था ना सेक कोसेक क्वाड के आंसर लर्न करना, इमेजिन करना। सेक 90 बोला, इमेजिन करो क्या, कॉस 90 का इमेजिन करो। सर सेक 90 को लर्न नहीं किया, सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस। कॉस 90 क्या होता है, 90, 90, 0, 180 के लिए ग्राफ पेपर बताया था। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो सेक 90 क्या होगा, इन्फिनिटी। क्यों, कॉस का उल्टा सेक होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। अभी इसके पहले की वीडियो में बताया था कि 0 का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। अब आप एक काम करो, अब आप ये टेबल पहले कंप्लीट करो, पॉज करो वीडियो को, टेबल कंप्लीट करो, टेबल कंप्लीट होने के बाद फिर आगे का देखो मैं क्या बता रहा हूँ। चलो, अगर आपको बोला कभी सेक पाई कितना होता है, सर नहीं पता, चलो बेटा कॉस पाई पता कर ले, पाई बोला तो ग्राफ पेपर, मतलब कॉस पाई कितना होता है, इमेजिन करो कॉस पाई कितना होता है, -1, तो सेक पाई कितना होगा, -1 क्यूब, -1 का उल्टा -1 होता है। उसके बाद बताओ कॉस 3/2, सेक 3/2 कितना होता है, सेक 3/2, सर नहीं पता, तो क्या पता करो, कॉस 3/2। बेटा कॉस 3/2 कितना होता है, π/2, कॉस 3/2 नीचे, कॉस 3/2 कितना होता है, कॉस है पहला आंसर, कॉस 3/2 कितना होता है, 0, तो sec 3/2 क्या होगा, इन्फिनिटी। क्यों, अरे इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, उल्टा कर देना, sec का उल्टा cos है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी, वैल्यू उल्टी लिख देना, ऐसा। इस तरह से आपको ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये हो गया sec का। अब हम किसका पढ़ेंगे, cosec का। अब बताओ यही सब वैल्यू अगर आपको cosec की चाहिए, तो फिर आपको cosec की अगर वैल्यू चाहिए तो कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन की पता होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन की। बताओ कोसेक 0 कुछ नहीं पता तो साइन 0 बताओ, कोसेक 0 नहीं पता ना, साइन 0 बताओ, बताओ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो
कोसेक जीरो क्या होगा इन्फिनिटी, जीरो का साइन का उल्टा कोसेक, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, उल्टी मैंने लिख देना। कोसेक पाई बाय टू कितना होता नहीं पता, तो साइन पाई बाय टू पता, इमेजिन करो साइन पाई बाय टू कितना होता है वन, तो कोसेक पाई बाय टू कितना होगा वन, वन का उल्टा होना छोटा है। कोसेक पाई नहीं पता, हाँ कोसेक पाई नहीं पता तो साइन पाई पता करो, बोलो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई ये साइन पहली कॉस की वैल्यू बाद में से, इसके पहले की वीडियो लर्न चाहिए बोलो तो ये समझता है, बोलो साइन पाई कितना होता है जीरो, तो कोसेक पाई क्या होगा इन्फिनिटी, जीरो का उल्टा। कोसेक थ्री बाय टू नहीं पता तो साइन थ्री बाय टू, साइन थ्री बाय टू कितना होता है माइनस वन, तो कोसेक थ्री बाय टू कितना होगा माइनस वन, उसके उल्टा क्या आंसर है इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी माइनस वन। चलो वीडियो को पॉज करो, क्वार्ट का आंसर देखो क्या है तुम्हारे को, क्वार्ट का आंसर पहले करो। अरे क्वार्ट का तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था, क्वार्ट का क्या देखना है, अरे टेन के उल्टा बताओ, टेन के आंसर क्या बताए थे, जीरो इन्फिनिटी जीरो इन्फिनिटी, किसका क्या होगा इन्फिनिटी जीरो इन्फिनिटी जीरो, सीधा सीधा बताया था मैं कि टेन के आंसर क्या आते, चलो बताओ ये देखो क्वार्ट का, हाँ बोलो हाँ क्वार्ट जीरो, सर नहीं पता, अरे नहीं पता क्वार्ट का नहीं पता तो टेन का पता करना बेटा, तो बोलो टेन जीरो कितना होता है आपको बताया था, टेन जीरो जीरो होता है तो क्वार्ट जीरो क्या होगा इन्फिनिटी, क्वार्ट नाइनटी कितना होता है सर नहीं पता, अरे तो बेटा टेन नाइनटी पता कर, टेन नाइनटी कितना होता है, देखो मैंने टेन का लर्न करने के लिए कहा था जीरो इन्फिनिटी जीरो इन्फिनिटी, मतलब टेन नाइनटी कितना होता है इन्फिनिटी, तो क्वार्ट नाइनटी क्या होगा जीरो होगा, तो इस तरह से फिर इन्फिनिटी जीरो ऐसे क्वार्ट के आंसर है। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लर्न कर लेना है अच्छी तरह से और इमेजिनेशन से प्रैक्टिस करनी है तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा।